नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल की सियासत में अब बड़ा खेला होगा, क्योंकि बीजेपी ने उपचुनाव में अपने नेताओं को साइडलाइन कर कांग्रेस के सभी 6 बागियों को टिकट थमा दिए हैं। अब बगावत का डर बीजेपी में है। बीजेपी का टिकट पाने वालों में कांग्रेस के बागी गगरेट से चैतन्य शर्मा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और कुटलहर से देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। ये सभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। इन सभी ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उसके बाद प्रदेश में सियासी तूफान आ गया था। विधानसभा स्पीकर ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब ये सभी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके चलते गगरेट में बीजेपी के लिए पार्टी से पूर्व विधायक रहे राजेश ठाकुर चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। राकेश कालिया पहले ही बीजेपी छोड़ चुके हैं। कुटलहर में बीजेपी के स्थापित नेता रहे वीरेंद्र कंवर बगावत पर उतर सकते हैं। धर्मशाला से सुधीर शर्मा को बीजेपी का टिकट मिलने से विशाल नेहरिया और पूर्व प्रत्याशी राकेश चौधरी को संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लाहौल स्पीति में रवि ठाकुर के लिए बीजेपी के ही स्थापित नेता डॉक्टर रामलाल मारकंडा बड़ी चुनौती बन सकते हैं। सुजानपुर में राणा के सामने इसलिए चुनौती नहीं कही जा सकती क्योंकि वहां धूमल परिवार को पार्टी पहले ही समझा चुकी है। ऐसे में बीजेपी की सेकेंड लाइन कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बड़सर में लखनपाल के सामने बलदेव शर्मा चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं, यानी यहां पर भी बीजेपी को खतरा बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने घर के अंदर बगावत को कैसे रोक पाएगी। खबर में इतना ही। नमस्कार।